इलियुका में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इकबाल। ठीक, हम इस वक्त मौजूद है जनूबी कश्मीर ज़िला अनंतनाग के मशहूर सियाहती मकाम पहलगाम में। सुबह 5 बजे से ही यहां पे म्यूनसिपल कमेटी पहलगाम सड़कों से बर्फ़ साफ़ कर रही है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ईओ पहलगाम मिस्टर तफीज़। तफीज़ साहब, आपका खैर मकदम। शुक्रिया जनाब टाइम देने के लिए। सर, बताया कि सुबह 5 बजे से ही यहाँ पे आप सफाई कर रहे हो, यहाँ सड़कों पर बर्फ़ हटा रहे हो, कितने कामयाब हुई है आप? देखिए जी, आपने देखा कि ये थोड़ा सा प्रेडिक्शन के अगेंस्ट गया कि इतनी हेवी स्नोफॉल हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे यहाँ पे, जिसकी वजह से कल दिन थोड़ा सा हैम्पर हो गया हमारी क्लियरेंस, क्योंकि बर्फ़ गिर रही थी कल दिन में। लेकिन हमने आज सुबह जो ही बर्फ़ रुकी, कल शाम से हमने ये पॉइंट बना दिया कि हम सारा जो बर्फ़ है ये लेन्स और बाई लेन्स जो है वो क्लियर करें। उसके साथ साथ जो मार्केट एरिया है जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं, अगर आप नज़र दे दें कि हमारी तीनों गाड़ियाँ इस वक्त लगी हुई है, JCB, टिपर एंड ट्रैक्टर। हम फुटपाथ्स पहली बार देखे गए आपके, फुटपाथ्स भी क्लियर हो रहे हैं पहलगाम में, ताकि टूरिस्ट, जिस हमारा मेन मुद्दा ये है जो कि पहलगाम है, ये एक विंटर डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे टूरिस्ट का इन्फ्लो जो है बहुत अच्छा रहा इस बार। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि इनको यहाँ पे वो सर्विसेज मिले जो ये एक्सपेक्ट करते हैं। उसमें मेन आता है यहाँ के रोड्स पे चलना, जो शाम को ये निकले ताकि ये आराम से मतलब यहाँ सैरो तफरी कर सके, उसके लिए फुटपाथ्स का साफ होना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बार हमने ये किया कि आज हम पूरे मार्केट के फुटपाथ जो है क्लियर कर देंगे, ताकि टूरिस्ट जो है आराम से चल पाए यहाँ पे। बाकी ऊपर जो गाँव हैं सर पहलगाम, वहाँ पे आपने कितने रोड साफ किए हैं, कितने अभी पेंडिंग है सर? देखिए, हमारा पहला क्या रहता है फोकस, एसेंशियल इंस्टॉलेशन, जैसे वाटर टैंकी जहाँ पे है, फायर स्टेशन जहाँ पे है, हॉस्पिटल्स है या पुलिस स्टेशन है, ये हमारा प्रायोरिटी रहता है। इसके बाद हम आ जाते हैं मेन मार्केट की ओर। मार्केट जो ही क्लियर हो जाएगा, हमारे लेन्स और बाईलेन्स में तो ऑलरेडी बंदे लगे हुए हैं, लेकिन हमारा एनफोर्समेंट जो है हमने थोड़ा सेग्रीगेट किया हुआ है, प्रायोरिटाइज किया हुआ है। जहाँ पे 5 बंदे होते थे जो नॉन एसेंशियल है, वहाँ पे हमने 2 ही रखे हैं, उनको मार्केट की ओर ले आया है ताकि ये क्विक हो जाए ये सर्विस। इसके बाद हम होपफुली आज शाम तक ये क्लियर कर देंगे मार्केट। इसके बाद कल ऑलमोस्ट हम 100% जो है शाम तक थ्रू कर देंगे सारे बाईलेन्स एंड लेन्स। तो सर बताइए, यहाँ पे मंदिर 4-5 करीबन है और गिरजाघर भी है, गुरुद्वारा भी है, वहाँ पे आपने सफाई की अभी सर? हाँ, अगर आप देखें, अगर आप नज़र दौड़ाए जो भी रिलीजियस प्लेसेस है, चाहे मंदिर है मामल में, मंदिर हमारे है, और हमारा मेन मार्केट में गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है और मस्जिद भी है। तो यहाँ पे मेन हमने देखा है कि पाथ अच्छे से निकाले, ये मैनुअल चलता है अंदर जो है, वो मैनुअल मशीन जाती नहीं है वहाँ पे, ये पाथ होते हैं छोटे छोटे, उनके लिए हमने ऑलरेडी क्लियरेंस कर चुके हैं। आप खुद भी देखिए, कहीं भी जाके जो भी रिलीजियस प्लेस है, आप देखिएगा कि पाथ क्लियर है उनके लिए। सर बताया कि जहाँ जहाँ पर अभी सफाई नहीं हुई, अभी बर्फ़ को हटाया नहीं गया है, उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे सर? मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ कॉपरेट कीजिए। हम थोड़ा प्रायोरिटाइज करके चल रहे हैं, हमारा एक टाइम टेबल है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, एक शेड्यूल बनाया हुआ है कि किसको पहले उठाएंगे किसको बाद में। नो डाउट मुश्किलें हर किसी की है, और सबसे मुश्किलें हमें आती है जो छतों से बर्फ़ गिरती है। हम क्लियर करते हैं, लेकिन बर्फ़ जब छतों से गिरती है वो एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है, उसके लिए हम एक दिन वेट करते हैं ताकि जो बर्फ़ है वो गिरे नीचे छतों से। तब तक हम एसेंशियल इंस्टॉलेशंस और मार्केट को क्लियर करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि बर्फ़ रुक गई है, तो कल मॉर्निंग में बाई लेन्स और लेन्स जो है क्लियर, अभी भी 70% आर थ्रू। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है, 70% आर थ्रू, बट रिमेनिंग 30% बाई टुमारो इवनिंग एवरीथिंग विल बी क्लियर। सर आखिरी सवाल, सर आप देखिए कि गाड़ियाँ यहाँ पे सड़कों पे लगाई, जिससे चलने में दुश्वारियाँ पैदा हो रही है। देखिए क्या है कि हमारी पार्किंग जो है उसमें एक लिमिटेड कैपेसिटी है, लिमिटेड कैपेसिटी के होने के साथ वहाँ पे जो बर्फ़ का इस वक्त गिरा हुआ होना वो ऑलरेडी कंजस्टेड हुआ है, क्योंकि हमने बर्फ़ को थोड़ा पीछे धकेला हुआ है, जिसकी वजह से वो कंजस्ट हुआ है पार्किंग। उसकी वजह से अब हमने ये फैसला किया कि आज दिन के लिए हम इनको एक लेन मेंटेन करें। जो ही हमारी पार्किंग पूरी तरह से थ्रू हो जाती है, हम इनको पुश करेंगे टुवर्ड्स इनर पार्किंग्स। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ये थे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी पहलगाम मिस्टर तफीज़। दिल्ली उकाब के लिए पहलगाम से मैं मोहम्मद इकबाल, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।